नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। जोश जुनून कुछ हो तो रखो, नहीं तो फिर हटा देना। साथियों नमस्कार। आज कानपुर कल की जो कार्यक्रम बना, आज उसी 22 नवंबर लखनऊ की, आज उसी विषय में सारे हमारे साथियों के द्वारा तैयारी की गई है। बस के माध्यम से बहुत साथी जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ लोग अपने वाहन से जा रहे हैं। साथियों, अभी कुछ हमारे सीनियर साथियों ने कई ग्रुपों में कमेंट किया कि अभी तक जो कार्यक्रम हुआ उनसे क्या हुआ और ये जो कार्यक्रम हो रहा है उससे क्या होगा। मैं बताते चलूं कि इस पार्टी के चिटफंड प्रकोष्ठ में जुड़ने का हम लोगों का केवल और केवल एक मकसद है, वो है संजय सिंह जी के द्वारा हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में वकील देने के। अब है क्या कि जिस समय हम लोग कोई भी कार्यक्रम बड़ा करते हैं, कभी भी हम लोग बनाते हैं, तो उसको हमने ये देखा है, अनुभव किया है और शायद जो लोग वीडियो देखेंगे वो लोग खुद देखेंगे कि उस आंदोलन को तोड़ने का काम किया जाता है। कैसे? अब उन्होंने बताया कि कोई पार्टी, जी हमें भी मालूम है कि कोई पार्टी पैसा नहीं दिला पाएगी, परंतु अगर इन्होंने चिटफंड प्रकोष्ठ बनाया है और वकील देने की बात की है तो कम से कम हमें अपनी संख्या बल तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई हमको वकील सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जो वकील की फीस है वो 1,000-2,000, 1,500-2 लाख नहीं है, इस बात को समझने का प्रयास करें। वो सीनियर जो टिप्पणी कर रहे हैं घर बैठ के मोबाइल पर, अगर हम संख्या बल अपनी नहीं दिखाएंगे तो कुछ पाना पड़ता है, कुएं के पास हमें जाना पड़ेगा तब हमको वो पानी मिलेगा, अन्यथा ऐसे पानी नहीं मिलेगा। कुआं आपके पास नहीं आएगा,
अगर आज उनको चुनाव 2022 में हम सबकी जरूरत है तो उसके पहले हम लोगों को जरूरत एक वकील की है। लिहाजा इस कार्यक्रम को अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम ऐसा तो ना बोलिए कि किसी दूसरे का मनोबल डाउन हो। एक दिन का समय निकाले हर व्यक्ति, हमारा यही आग्रह है और मेरा निवेदन है कि एक दिन, क्योंकि अगर एक दिन कोई नहीं निकाल सकता है तो हमें धिक्कार है इस परिवार पे। अपने आप को जो पीड़ित लिखते हैं बेकार है, क्योंकि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में बड़े बड़े वादे करने वाले आज वो चेहरे नहीं नजर आ रहे हैं। वो चेहरे नजर आ रहे हैं जो बेचारे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी रैंक पे थे। शर्म आती है फिर भी, और उस संघर्ष के साथ में हम लोगों ने जो कार्यक्रम किए, हम सब ने मिलकर उससे कई फायदे हुए हैं और उन फायदों के कारण आज हमारे अंदर एनर्जी है और उम्मीद और आशा और विश्वास है कि हम अपना और अपनों का भुगतान लेकर रहेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ में कल हमारी 22 नवंबर लखनऊ लुइया पार्क 11 बजे हर हाल में पहुंचना है, वहां से तिरंगा लेके, और तिरंगा लेकर भी जाना है सबको। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए और अगर एक साथ चलेंगे बहुत अच्छा लगेगा। बस 12 देवी से 7 बजे कल सवेरे चलेगी, जो 7:15 बजे नमस्ता आएगी और 7:30 बजे रामा देवी पहुंच जाएगी। जो भी हमारे साथी जाना चाहते हो, राम गोपाल शुक्ला जी का नंबर हमने पहले भी दिया है, आज फिर हम भेज देंगे, उनसे बात कर लीजिए और जो भी पैसा है उनको पहुंचाने का कर सकता है। क्योंकि ये हो सकता है कि चुनाव के पहले ये आखिरी हम लोगों का कार्यक्रम हो, क्योंकि उसके बाद में चुनाव के कारण आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए हमारा आंदोलन है, हम सबका आंदोलन है, घरों से निकले और एक दिन का टाइम जरूर दें। यही हमारा निवेदन है उन सीनियरों से, टिप्पणी ना करें कि पहले दे दें, अगर पहले दे देंगे तो हमें उनको कैसे मालूम होगा कि ये हमारे चिटफंड प्रकोष्ठ में जुड़े हैं। इसलिए चुनाव के पहले हमको वकील मिल जाएगा, पर कल हमें हर हाल में अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, ये समझने का प्रयास करें। जब तक हम आटा नहीं लाएंगे तो रोटी नहीं बनेगी, ये थोड़ा हर मोटा व्यक्ति भी जो होगा, पागल भी होगा, वो भी ये जानता है। तो एक कल ताकत दिखानी है और दिल्ली गवर्नमेंट जो हमारी केजरीवाल जी की है और जो बिल 2019 में बना था इन कंपनियों के लिए, उसको लागू भी कराना है। साथियों समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर संजय सिंह बोले हैं तो वो करेंगे और कल उनके नेतृत्व में हम लोगों को 4 किलोमीटर पदयात्रा तिरंगा लेकर चलना है। वो हर आदमी अपने अपने घर से एक एक तिरंगा जरूर लेकर चले, मान दया होगी। और सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करें, मास्क जरूर लगाए, रुमाल लगाए, गमछा लगाए, जो भी हो सब लोग अपनी अपनी तैयारी के साथ में आए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि चुनाव के पहले ये अंतिम हम लोगों का आंदोलन है और 2022 के चुनाव में हम लोगों को हर हाल में अपने भुगतान की प्रक्रिया को जारी करवाना है और सुप्रीम कोर्ट में वकील लेकर पहुंचना है। धन्यवाद साथियों, बाकी बातें कल होंगी। 22 नवंबर वो दिन होगा इतिहास के पन्नों में इन कंपनियों के लिए लिखा जाएगा। धन्यवाद विकास त्रिपाठी, सभी साथियों सहित कांग्रेस। वीडियो बना के सब आवाज आ रही है। मुझे प्रभारी पैसा वापस करें।